हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, वीडियो के अंदर बात करेंगे नई वोटर लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखो साइट पर नई वाली वोटर लिस्ट अपलोड हो गई है। जो भी आपने जो नए नाम जुड़वाए हैं वोटर लिस्ट या फिर मतदाता सूची, वो आपके देखो इंटरनेट पर डाल दी गई है। अब दोस्तों, वोटर लिस्ट में हमारा खुद का नाम कैसे देखना है या फिर कैसे उसमें पूरा तरीका हम आपको वीडियो के अंदर बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और सब्सक्राइबर के बगल में जो बेल का आइकन है इसको भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि हम कोई भी सरकारी योजना संबंधित वीडियो डालेंगे तो उसकी जानकारी अपने आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, 2019 वाली नई वाली वोटर लिस्ट इंटरनेट पर डाल दी गई है, विभाग की साइट पर डाल दी गई है। आप दोस्तों देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह कुछ इस तरीके से हमारी साइट है, जिस पर हमारे को देखो पूरी वोटर लिस्ट का तरीका हमारे को इसमें पता लग जाएगा। अब आपको देखो इस साइट पर जाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आपको जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन करा हुआ आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद जो भी साइट ओपन होगी उसमें सबसे नीचे आपको जाना होगा और उस दूसरे वाले लिंक पर क्लिक करके आप इस वाली साइट पर आ जाओगे। अब दोस्तों, जैसे ही आप इस वाली साइट पर आ जाओगे तो आपको देखो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे, इलेक्ट्रोल वगैरह, जैसे सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल, फॉरम, ट्रैक एप्लीकेशन। अब दोस्तों आपको देखो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, डाउनलोड इलेक्ट्रोल रोल PDF। अब यही आपकी वोटर लिस्ट है, आपको देखो इस पर क्लिक करना होगा। और अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए देखो आप भारत देश में कोई भी राज्य से आपका चाहे कहीं से भी रेजिडेंस हो, आप किसी भी राज्य की किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोई भी कहीं के भी आप वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें आपको अपना देखो स्टेट लेना होगा, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको राजस्थान लेकर बता देता हूं। और नीचे दोस्तों देखो गो के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक तो जिले का नाम और दूसरा आएगा विधानसभा, भाई आपको अपना जिला लेना है। अब दोस्तों देखो आपको अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, जैसे मैं अलवर का आपको करके दिखा देता हूँ, मेरे को देखो ज्यादा नॉलेज अलवर के बारे में है। और ये दूसरा ऑप्शन है देखो आपका विधानसभा क्षेत्र, कि भाई आप ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आते हो या शहरी से आते हो या फिर जो भी आपकी देखो विधानसभा क्षेत्र लगता है वो आप इसमें अपना सेलेक्ट कर लेना। अब जैसे मैं अलवर शहरी क्षेत्र से आता हूँ तो हम इस पर देखो क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। ये दोस्तों वो वाली डिटेल है जो आपका जब आप वोट डालने जाते हो, जो आपका बूथ पूलिंग होता है, बूथ वगैरह होता है ना जहाँ पर आप वोटिंग करते हो, तो देखो ये उसका नाम है। आप कौन से स्कूल में वोट डालने जाते हो या आपके अगर आपने पहली बार नाम जुड़वाया है तो आपका देखो मम्मी पापा वगैरह वोट डालने जाते होंगे, तो ये आप ये सारी बात आपको वो बता देंगे कि भाई हमारा वोटिंग कहाँ पर होता है। तो देखो आपको अपना यहाँ पर पोलिंग बूथ ढूंढना होगा, और सामने देखो एड्रेस भी इन्होंने दिया हुआ है कि भाई ये एड्रेस है और ये पोलिंग बूथ जो भी स्कूल का नाम या फिर कोई सरकारी ऑफिस का नाम है वो ये है, और सामने आपको एड्रेस दिख जाएगा। अब दोस्तों जैसे मैं इसमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, कोई भी एक ऑप्शन है जैसे इसमें से, मैं आपको ढूंढ के बता देता हूँ कि भाई मैं कौन सा वाला सर्च करके दिखाऊंगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक थोड़ा जिसकी बारे में मुझे नॉलेज है मैं आपको वो वाला एरिया खोल कर दिखा देता हूँ। चलो दोस्तों हम कोई सा भी खोल लेते हैं, जैसे मैं आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और कोई भी एड्रेस है, और ये लास्ट में व्यू प्रिंट है तो आपको व्यू प्रिंट पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप व्यू प्रिंट पर क्लिक करोगे तो देखो आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, कैप्चा कोड, ये वाला कोड को आपको इस वाले बॉक्स के अंदर डाल के और वेरीफाई डाउनलोड करना है। तो मैं चलो इस पर डाल लेता हूँ जो भी हमारा कैप्चा कोड है। अभी दोस्तों मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, आप कंप्यूटर वगैरह जो भी है जिस पर भी आप बना सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो देखो आपकी वोटर लिस्ट जो वोटिंग लिस्ट है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ तो देखो ये हमारा डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है। तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि भाई हमारी वोटर लिस्ट कैसे दिखती है। तो देख लो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई आपकी निर्वाचक नामावली जो भी मैं राजस्थान की आपको बता रहा हूँ, आपका इसमें पूरा एड्रेस शो हो जाएगा, मैपिंग वगैरह जो भी स्कूल का है, और यहाँ पर देखो आपकी पूरी वोटर लिस्ट आपको दिख जाएगी। ये उस स्कूल की फोटो है जहाँ पर वोटिंग डलती है, इसलिए इन्होंने फोटो डाल के रखी हुई है। और ऐसे करके आप अपना पूरा नाम यहाँ पर देख पाओगे, जैसे कोई भी व्यक्ति का यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको अपना मतदाता पहचान संख्या भी आपको इसमें शो हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी वोटर लिस्ट घर बैठे डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आप अपनी कमेंट में राय जरूर दे, क्या आपको अपना भी वोटिंग लिस्ट का नाम इसमें मिल गया है या फिर नहीं मिला है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय भारत।